मेरे महबूब का जो टाइटल सॉन्ग है उसकी रिकॉर्डिंग का मुझे किस्सा याद आता है कि नौशाद साहब को जब वो फिल्म दी गई म्यूजिक बनाने के लिए और ये गाने की रिकॉर्डिंग आई, ये उस फिल्म का पहला गाना था जो रिकॉर्ड हुआ और इसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 4 या 5 म्यूजिशियन थे। रवेल साहब जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो भागे हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन हैं उनके पास और ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। चूंकि उस फिल्म में नौशाद साहब को मैं ही लाया था इसलिए रवेल साहब ने नौशाद साहब कहने की बजाय वो शिकायत मुझसे की। तो मैंने उनसे कहा कि नौशाद साहब जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, आप घबराइए नहीं, आप इसके रिजल्ट को देखिए, जब गाना रिकॉर्ड हो जाए फिर सुनिए ये कैसा है। अब जब गाना रिकॉर्ड हुआ सबने सुना, हमने भी सुना, उसके बाद जब पिक्चराइज हुआ पब्लिक ने भी सुना और आज तक वो गाना इतना मकबूल है। और मैंने नौशाद साहब को जब बताया कि रवेल साहब बहुत घबराए हुए थे कि आपके यहाँ ज़्यादा म्यूजिशियन नहीं है, तो वो मुस्कुराए और कहने लगे भाई देखो, एक शायर एक स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपनी गजल या अपनी नज्म सुना रहा है तो उसके पीछे बहुत सा ऑर्केस्ट्रा और बहुत से म्यूजिशियन कैसे हो सकते हैं, मुझे बता दो। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल सही फरमाते हैं, और वो गाना याद है लोगों को आज भी और हमेशा रहेगा।